17 अप्रैल को रामनवमी है। इस दिन बड़े ही धूमधाम के साथ श्री राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। प्रभु श्री राम के जन्मदिन को रामनवमी के रूप में हर वर्ष देश विदेश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन चैत नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। वहीं ज्योतिष आचार्य के अनुसार वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम का जन्म चैत माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि कर्क लग्न अभिजीत मुहूर्त और पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। तो जानिए पूजन विधि और तिथि। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम जी का जो जन्म पुष्य नक्षत्र में कर्क लग्न में कर्क राशि में हुआ था और सूर्य चंद्र मंगल गुरु और शनि ये 5 ग्रह जो है अपने उच्च की स्थिति में उस समय विराजमान थे, केंद्र में विराजमान थे और अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ था। उसी प्रकार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। भगवान का जन्म जो है बहुत अद्भुत योग में हुआ था, अभिजीत योग में हुआ था और योग लग्न ग्रहवार तिथि सकल वय अनुकूल चर अचर हर्षयुत राम जन्म सुखमूल। चर अचर में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु जो भी थे उन सबको हर्ष की प्राप्ति हुई थी, सुख की प्राप्ति हुई थी, शांति की प्राप्ति हुई थी। ऐसे योग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। इस वर्ष 17 अप्रैल 2024 बुधवार को श्री राम जी का जन्मोत्सव श्री राम जन्म मनाया जाएगा। 17 अप्रैल को उदया तिथि के अनुसार रामनवमी रहेगी, नवमी तिथि रहेगी, जो मध्याह्न में लगभग 3:14 तक यह तिथि उपलब्ध रहेगी। तो 11:10 से लेकर के 1:40 तक श्री राम जन्म मनाने के लिए, भगवान का पूजन पाठ करने के लिए यह अति शुभ योग रहेगा। इस मुहूर्त में भगवान का जन्मोत्सव मनाइए, भगवान का पूजन अभिषेक करिए और जो विभिन्न प्रकार के पाठ विधि हैं वह हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री राम का हमको जन्म मनाना चाहिए, क्योंकि इस बार अयोध्या में भी लगभग 500 वर्ष के बाद एक बार पुनः रामलला अपने उस मंदिर में विराजमान हुए हैं। इसलिए हमको अत्यधिक हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री राम का इस बार जन्मोत्सव मनाना चाहिए। रामनवमी पर एक बहुत सुंदर चौक बनाएं और चौक के ऊपर एक चौकी को स्थापित करिए और चौकी के ऊपर एक सुंदर वस्त्र को आच्छादित करके भगवान के बाल रूप को स्थापित करना चाहिए या श्री राम दरबार को स्थापित करें। राम जी को, जानकी जी को, लक्ष्मण जी को, भरत, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी या पूरा राम दरबार स्थापित करें या भगवान के बाल स्वरूप को स्थापित करके भगवान का पूजन करिए, अभिषेक करिए, षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करिए। पूजन अभिषेक के पश्चात भगवान को पीले रंग के या केसरिया रंग के वस्त्र पहनाइए। पीत रंग के ही भगवान को पुष्प फूल माला अर्पित करना चाहिए और पीले रंग का ही भोग मिष्ठान भगवान को भोग के रूप में हमको समर्पित करना चाहिए। भगवान का पूजन इत्यादि करने के बाद राम नाम का संकीर्तन करना चाहिए, भगवान राम के नाम का जप करना चाहिए, श्री राम चरितमानस का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, श्री राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें। भगवान महादेव जो हैं, भोलेनाथ जो हैं, वो राम रक्षा स्त्रोत में स्वयं कर रहे हैं कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे पार्वती, हे सुमुखी, भगवान राम का जो नाम है वह हमारे कई जन्म के संकटों को दूर कर देता है, इसलिए मैं स्वयं भगवान के जो हजारों नाम है उन नामों में जो सर्वश्रेष्ठ नाम राम है उस राम को निरंतर जपता रहता हूँ, भगवान के नाम का भजन करता रहता हूँ। भगवान राम का जो नाम है वो हमको भवसागर से तर देता है, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, हमारे सारे संकटों को दूर करता है। रामचरितमानस में राम नाम की महिमा इस प्रकार है कि जो राम नाम के तीर्थ राज में स्नान करता है, मज्जन फल पे कहूं तत्काला काक होई पित बक होई मराला। जो राम नाम के समानस तीर्थ में स्नान करता है वो तो कौआ कोयल के रूप में
और बगुला हंस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात व्यक्ति की किसी भी प्रकार की मनोवृत्ति हो, यदि भगवान के नाम का भजन करता है तो उसकी मनोवृत्ति पवित्र हो जाती है, पुण्यों को प्राप्त करता है और स्वर्ग इत्यादि वैकुंठ इत्यादि उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। भगवान राम का नाम इस लोक के संकटों को दूर करता है, परलोक के संकटों को दूर करता है। इसलिए हमको निरंतर भगवान श्री राम के नाम का जप करते रहना चाहिए और भगवान की कृपा प्राप्त करते रहना चाहिए।